जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर को एज अ कोर्स स्टडी करवाते हैं या खुद रीड करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये नावल्स विक्टोरियन नावल हैं या रोमांटिक नावल हैं या मॉडर्न नावल हैं मॉडर्न ड्रामा मॉडर्न पोइट्री इनको क्यों कहा जाता है और इनको इन कैटेगरीज़ में क्यों रखा जाता है इनको इस कैटेगरी में इनकी एजिस की बुनियाद पर ही रखा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट एजिस में डिफाइड किया गया है जिसकी बेस पर हम लिटरेचर को कैटेगराइज़ करते हैं कि ये किस कैटेगरी या किस एज को बिलोंग करता है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश क्या है इंग्लिश अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज फर्स्ट स्पोकन इन अर्ली मिडीवल इंग्लैंड इंग्लिश वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज से बिलोंग करती है जो कि जर्मेनिक लैंग्वेज जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स लैंग्वेज थी और ये अर्ली मिडीवल इंग्लैंड में बोली जाती थी और आज इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई और ये लैंग्वेज किस तरह जनरेट की गई या ब्रिटेन में ये लैंग्वेज कैसे आई और इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को हम थ्री मेन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं लिटरेचर की हिस्ट्री को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि लिटरेचर या लैंग्वेज की हिस्ट्री को किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओल्ड इंग्लिश मिडल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर को फर्दर इन थ्री मेन टाइप्स में ही डिवाइड किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आज हमारे पास है ये बेसिकली सबसे पहले इसी तरह एज इट इज़ नहीं थी जो कि अब हमारे पास है इस पर काफ़ी लैंग्वेज़ के इन्फ्लुंस थे मुख्तलिफ़ ट्राइब्स के डिफरेंट जो ब्रिटेन पर वक्ता फवक्तन हमला करते रहते थे और जो लैंग्वेज़ इंग्लैंड में बोली जाती थी उनके इंग्लिश पर क्या असर थे इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई कैल्टिक लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ओल्ड नॉर्थ लैंग्वेज एंड लास्ट द फ्रेंच लैंग्वेज जो करंट इंग्लिश लैंग्वेज हैं वो इन डिफरेंट लैंग्वेज़ के ही मिक्सचर से हमारे पास पहुंची है अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो हमारा हमारे पास करंट ब्रिटेन है इसका ओल्डस्ट नेम इसको कहा जाता था पिटोनी लैंड और जब वहाँ पर जो ख़ाना बदोश यानि जिप्सी आकर रहा करते थे उनको कैल्टस कहा जाता था और वो कैल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे और वो कैल्टिक कल्चर के फॉलोवर थे और इन्हें लोकल्स यानी नेटिव हैबिटेंट्स कहा जाता था ब्रिटेन के लेकिन जैसे कि आप जानते हैं रोम जब रोम की आर्मी और रोम पावर पर आई और इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने इकतदार में लेना शुरू कर दिया इसी के साथ फ़र्स्ट सेंचुरी ए डी में रोम ने अपनी अफवाज को ब्रिटेन की तरफ मूव कर दिया और वहाँ पर इन्होंने अपनी हुकूमत को कायम कर दिया कहा जाता है जूलियस सीजर की आमद के बाद जब रोम की आर्मी ब्रिटेन में आई तो इन्होंने तकरीबन फोटी थ्री ए डी से फो तक ब्रिटेन पर हुकूमत की और इन्होंने आते ही वहाँ पर अपनी लैंग्वेज यानी लैटिन लैंग्वेज को राइज कर दिया इस तरह वहाँ पर जो नेटिव थे वो कैल्टिक्स लैंग्वेज बोला करते थे और बाद में आने वाले रोम यानी लैटिन लैंग्वेज इस तरह उस टाइम तक ब्रिटेन में दो लैंग्वेजेस जो के लोगों में बोली जाती थी लेकिन जब रोमन अम्पायर को डिक्लाइन होना शुरू हुआ और इनकी आर्मी पर इनके मुल्क पर टैक्सेस की वजह से ज़्यादा दबाव आने शुरू हो गया तो इनको मजबूरन अपनी अफवाज वापस अपनी रोम की तरफ मूव करना पड़ी तो ये आलमोस्ट 383 से ब्रिटेन से जाना स्टार्ट हो गई और फिर मुकम्मल 410 तक इन्होंने ब्रिटेन को खाली कर दिया अपने इकतदार से इनके जाने के बाद यानी इनके दौर में भी कुछ कुछ ट्राइब्स थे जो कि यहाँ पर हमला करते रहते थे और फिर इनके जाने के बाद मुकम्मल तौर पर कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स जिसमें एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स थे जो कि ब्रिटेन में आए और इन्होंने वहाँ के नेटिव्स लोगों को शिकस्त दी और वहाँ पर अपने इकतदार कायम कर लिया। बेसिकली ये रोमन्स की छोड़ी हुई जायदाद को लूटने के लिए आए थे लेकिन इन्होंने वहाँ पर नेटिव्स को शिकस्त दे दी और इनको डिफ़ीट करने के बाद इन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली यहाँ से ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम डिफरेंट नेम्स से जानते हैं जैसे कि डार्क एज ओल्ड एज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी इसी एज का है और एंग्लो सैक्सन पीरियड और ये पीरियड इनका फ़ोर टेन टू टेन सिक्सटी सिक्स तक का है इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को बेसिकली अगर जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम इसको चौसर की एज से स्टार्ट करते हैं लेकिन चौसर की एज से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस एज से पहले उसका बैकग्राउंड क्या था तो हम इसको चौसर की एज का बैकग्राउंड भी कह सकते हैं और एंग्लो सैक्सन पीरियड ऑफ कोर्स तो है ही एंग्लो सैक्सन को डार्क एजेस ओल्ड एजेस और इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है अब हम इसे देखते हैं इस पीरियड का जो लिटरेचर है वो इतना ज़्यादा एज अ कोर्स टू स्टडी नहीं करवाया जाता और ना ही इम्पोर्टेंट है लेकिन हम इसको इस तरह भी नहीं कह सकते कि इनको डिनाई कर दें अगर हमें इसका बैकग्राउंड मालूम होगा तो हम इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे क्योंकि जब हम डायरेक्ट चौसठ की एज को स्टार्ट कर देते हैं तो मोस्टली डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा ही किया जाता है कि चोसर को एज आ कोर्स स्टार्ट ही से पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स को उनका बैकग्राउंड समझने में डिफ़िकल्टी होती है इसके लिए सबसे पहले हम एंग्लो सैक्शन यानि ओल्ड एज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे देन हम मिडल एंड मॉडर्न क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सैक्सन आते हैं तो सबसे पहले ओ एंगलो सैक्सन इनके लिटरेचर और इनके फेमस वर्क को डिस्कस करते हैं जैसे कि मैं ये बता चुकी हूँ कि जर्मेनिक ट्राइब्स जिसमें एंग्लो सैक्सन और जूटस थे जो कि ज़्यादा फेमस थे इन्होंने रोमन के बाद इंग्लैंड पर हमला किया और वहाँ पर अपना इकतदार कायम किया नेटिवस लोगों को शिकस्त देने के बाद इसके बाद वहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ स्टेट्स कायम की जिन्हें हम एंगला लैंड के नाम से जानते हैं सेवन स्टेट्स थी इन्होंने एट सेंचुरी में ये कायम की इसके बाद इन्होंने रफ्तार रफ्तार अपना इकतदार यहाँ पर मज़बूत कर लिया और इनके टाइम पीरियड बढ़ता ही गया और इसमें जो लिटरेचर लिखा जाता रहा वो मोस्टली हीरोइक फॉर्म्स में लिखा जाता जिसमें जंगों को बताया जाता था एट सेंचुरी में सेवन स्टेट्स को बिल्ड करने के बाद इन्होंने प्रॉपर वहाँ पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी और इसमें मोस्ट फेमस जो कि इंग्लिश यानी इंग्लैंड के किंग जिन्हें हम आज भी याद रखते हैं अल्फर्ड द ग्रेट अल्फर्ड द ग्रेट वैक्सीस के हुक्मरान थे यानी किंग थे और ये बहुत ज़्यादा नॉलेज के मतलब ये चाहते थे कि जो उनकी रियासत है उसके अंदर हर शख्स को इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए और हाँ वैसे जब एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में आए तो अपने साथ जो ये लैंग्वेज लाए थे इसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है इसी तरह ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कैल्टिक लैंग्वेज और प्रीवियस लैटिन लैंग्वेज जो के रोम ने यहाँ पर नाफिस की थी उनके मिक्सचर से ये नई जबान जो कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहलाई जाने लगी यहाँ पर बोली जाती थी इसी तरह जो कि लिटरेचर इस एरा में लिखा जाता था वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है अल्फर्ड द ग्रेट जो कि प्रोज राइटर भी समझे जाते हैं इन्होंने अपनी रियासत में वो चाहते थे कि इनकी रियासत में जो लोग हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश बोलनी और पढ़नी सीख लें इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स भी नाफिज करवाए जैसे और इसके बाद जब अगर हम इस एज के लिटरेचर की बात करते हैं लिटरेचर पर बात करने से पहले अब हम ये देखते हैं कि इस दौरान जबकि वहाँ पर नेटिव्स थे और रोमन के जाने के बाद जर्मेनिक ट्राइब्स वहाँ पर आ गए तो जर्मेनिक ट्राइब्स और नेटिव इस तरह वहाँ पर दो ग्रुप्स बन गए एक ब्रिटोन थे जो कि पिटोनी लैंड के रहने वाले थे जो ओरिजिनल नेटिव्स थे उनको ब्रिटोन्स कहते हैं तो इसी तरह और एक पेजेंस हो गए जो कि खुदाओं को नहीं मानते थे और पिटोन जो कि क्रिस्टैनिटी से बिलोंग करते थे इस तरह लिटरेचर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था इसके बाद टेंथ सेंचुरी में वाइकिंग्स के हमले के बाद ओल्ड नॉर्थ लैंग्वेज यहाँ पर आ गई और आज भी ओल्ड नॉर्थ लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किए गए हैं अब हम अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी एंग्लो सेक्शन में वो मिक्सचर थी कैल्टिक लैंग्वेज का और जर्मेनिक लैंग्वेज की यानी पिथोनिक लैंग्वेज और जर्मेनिक लैंग्वेज का जो मिक्सचर थी उसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज कहते हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि हर एज में होता है कि कुछ ऐज में एज पीरियड में हम कुछ पोइट्री डोमिनेट होती है किसी में नावल डोमिनेट होते हैं किसी में ड्रामा तो एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो डोमिनेटिंग जॉनरा था वो पोइट्री ही था और पोइट्री को उनकी क्लासिफिकेशन में इस तरह डिवाइड किया गया कि इसे हम लरिकल पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री और हीरोइक पोइट्री कहते हैं रिलीजियस पोइट्री जो जिसकी एक एग्जांपल है द ड्रीम ऑफ रूड और लरिक पोइट्री जो लिखी गई वेंडर एंड द सेफर और इसके बाद हीरोइक पोइट्री बी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ एंग्लो सेक्शन बी और जो लिटरेरी टेक्निक्स यानी लिटरेरी डिवाइस एंग्लो सैक्सन की एज में यूज़ की जाती थी यानी उनके लिटरेचर में वो ये हैं कि यूराफाम में लिखी जाती थी एलिट्रेशन होती थी इसमें स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को यूज़ किया जाता था विदाउट राइम स्कीम इसके बाद इसमें आयरनी होती थी और मेटाफर और मेटोनमी को यूज़ किया जाता था फोर बी ट्राइम्स होती थी रेपटेशन क्योंकि इसमें यौनरा डोमिनेटिंग पोइट्री था तो पोइट्री की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें एलिट्रेशन आयरनी वगैरह यूज़ की जाती हैं क्योंकि उस टाइम पर राइटिंग फॉर्म नहीं थी तो इसलिए वहाँ पर ओरल ट्रांसमिशन ही चलती थी लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते स्टोरी की पोइट्री की फॉर्म में स्टोरियाँ सुनाया करते थे जिसकी एक एग्जांपल बू वुल्फ है जो कि एक लॉन्ग एपिक है इसी तरह अगर हम देखें कि जो एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर है जैसे कि हमने उसकी लैंग्वेज देखी कैसी थी फिर हमने उसके कुछ डिवाइसेस देखी कि उसमें कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती थी इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो थीम था जिसको बेस बना कर एंग्लो सैक्सन अपना लिटरेचर लिखा करते थे वो कौन सा लीगल राइटिंग पर लिखते थे मिडिवल ट्रेक्ट्स होती थी एपिक पोइट्री इंक्लूड की गई है इसके अलावा रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे और कुछ रीडल्स भी होती थी यानी पहेलियाँ अब अगर हम यांड्रा की बात करें तो स्पेसिफ़िक तो कोई और यांड्रा नहीं है जो इस एज में हमें मिल सके सिवाय प्रोज के प्रोज में ट्रांसलेशन है अल्फ्रेड द ग्रेट की जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था लैटिन लैंग्वेज से अब हम इसके फेमस वर्क को देखते हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हैं जो हमें मोस्टली रिमेंबर करने चाहिए और रीड भी करने चाहिए फर्स्ट है विट इसमें आटोबायोग्राफ़ी लिखी गई है जर्मन्स की यानी जो जर्मन्स की लाइफ थी किस तरह वो यहाँ पर आए कौन कौन से ट्राइब से हमें तो सिर्फ आज इनकी हिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से तो पता ही लगेगी ना क्योंकि कोई भी रिटर्न फॉर्म कोई भी बुक हो जिसमें हमें ये पता हो कि किस तरह वहाँ पर रोम आए थे किस तरह जर्मेनिक ट्राइब्स आए किस तरह इन्होंने नेटिवस को शिकस्त दी और इसके बाद वो खुद वहाँ पर आने लगे आगे इनको किसने डिफ़ीट किया एक्सेट्रा ये सब कुछ हमें क्योंकि हिस्ट्री है ऑल्सो हिस्ट्री इज़ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ सो जो हम जर्मेनिक यानी जर्मन्स की ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं वो हमें विटसिट में ही मिलती हैं इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन ब्यूवल्फ़ ये आलमोस्ट थ्री वन एट टू लाइन्स पर हैं और इसको हम कह सक कहा जाता है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड क्योंकि एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है इसके अलावा ये एक वाद लिटरेचर यानी लिटरेचर का एक वर्क है जो कि हमें एज इट इस फॉर्म में मिला बाकी कुछ पीसीज़ में हैं लेकिन ये वाहिद मैनूस्क्रिप्ट है जो कि हमें एज इट इस फॉर्म में मिला इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है ब्यू वुल्फ़ जो कि एक करैक्टर है इसके अंदर उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सो so, अब हम कुछ और मेन मैन को डिस्कस करते हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं सबसे पहले है जो हम इसके अंदर द एक्सीटर बुक इस बुक के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह इंग्लैंड में जनरेट की गई या आई कैसे कैसे वो इन्फ्लुएंस हुई तो इसकी कुछ हिस्ट्री जो है वो हमें इस बुक में यानी इस मैनुस्क्रिप्ट में मिलती है दूसरा मैनुस्क्रिप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द जूनियस मैनूस्क्रिप्ट इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो बाइबल से रिलेटेड मिलती है यानी जो बाइबल की इंफॉर्मेशन है वो हमें इस मैनुस्क्रिप्ट में मिलती है अगर हम थर्ड को देखें तो वर्सेली बुक इस बुक में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं अबाउट पोइट्री इसके बाद द लास्ट है ब्यू वुल्फ ये मैनूस्क्रिप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट फेमस वर्क है, है और, इस, और रीडेबल भी है अगर हम इसके की फिगर्स पर बात करें कि जो डोमिनेटिंग फिगर्स थे इस एज के वो हम बात करती हैं बीट बीट हिस्टोरियन थे इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है अगर हम हिस्टोरियन की बात करें तो बीट बीट ने इंग्लिश की जो हिस्ट्री है और उनके पीपल्स को जो उनकी हिस्ट्री आज हमारे पास है वो अपनी फ़ेमस किताब द इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है इसके बाद कुछ अब हम कुछ एंग्लो सैक्शन के अदर वर्गस को देखते हैं कि और कौन से वर्क हैं जो रीडेबल हैं और इनको ज़रूर रीड करना चाहिए द एक्सीटर बुक है रीडल्स की ब्यू वुल्फ द सेफर द वेंडर केज मैन बीट्स डैथ सोंग द एंग्लो सन क्रोनोलिकल द ड्रीम ऑफ द रूट द बैटल ऑफ मिल्डन इसके बाद कुछ पोइट्स हैं जो कि फेमस हैं इस एज के इनमें कुछ ज़्यादा हमें उनकी आइटोबायोग्राफ़ी तो नहीं मिलती लेकिन कुछ मिडिवल सोर्सेस से हमें इनके बारे में पता लगा है जिसमें केटमैन है बीट है एल्फ्रेड और न्यूवल्फ इसमें सिर्फ हमें केडमैन एल्फ्रेड और बीट की ही ऑटोबायोग्राफ़ी को हम जान सकते हैं वो भी मिडिवल सोर्सेज से अब हमने इस लेक्चर में ये तो देखा कि एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री क्या है और एंग्लो सैक्सन कौन थे और किस तरह ब्रिटेन में आए और कैसे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम अक्सर कहते हैं ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज या ओल्ड लिटरेचर वो क्या था लेकिन हर दौर एज़ इट इज़ नहीं रहता और उसका इख्ताम भी ज़रूरी है इस तरह जब नेक्स्ट एज नॉर्मंस जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं वो किस तरह आया और इनकी एंडिंग किस तरह हुई एंग्लो सैक्सन के पीरियड के जो लास्ट किंग थे जिनको हेरॉल्ड कहा जाता है उनको नॉर्मंस ने कन्क्स्ट किया और उनको शिकस्त देने के बाद वो इस इनके इकतदार पर आगे इस तरह एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया जिनको हम विलियम द कंक्र भी कहते हैं विलियम फर्स्ट इंग्लैंड आने के बाद इन्होंने वहाँ पर अपनी फ्रेंच क्योंकि ये बेसिकली फ्रांस तो फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पर नाफिज किया और इनको इनके किंग को डिफ़ीट करने के बाद और वहाँ पर अपना इकतदार कायम किया और नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे आई होप ऑल पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से रिलेट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमने एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री को देखा अब हम फर्दर ईच वीडियो में हम आल एजिस को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पीरियड जो कि मिडल इंग्लिश है जिसमें हम नॉर्मल चौसर प्री चौसर और आफ्टर चौसर के पीरियड को डिस्कस करेंगे आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे थैंक्स फॉर वॉचिंग